मध्याह्न भोजन योजना हमारे देश की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को सभी कार्य दिवसों पर मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से जहां एक ओर बच्चों में कुपोषण की समस्या कम हुई है, वहीं दूसरी ओर ये विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में सामाजिक संतुलन स्थापित करने में मदद कर रही है तथा रोजगार के प्रावधान के माध्यम से महिलाओं और वंचित सामाजिक सशक्तिकरण में सार्थक साबित हो रही है। इस योजना के तहत छात्रों को पढ़ाई के साथ पोषक भोजन भी मिल रहा है। मिड डे मील में हमारे विद्यालय में अच्छा भोजन बनता है। हमारे सर बैठा कर खाना खिलाए जाते हैं और सोमवार को हमारे विद्यालय में सब्जी रोटी और उसके साथ फल विक्रेत करते हैं। पृष्ठभूमि नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉक्स में शुरू किया गया। वर्ष 1997-98 के अंत तक NSPE को देश के सभी ब्लॉक्स में लागू कर दिया गया। 2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों तक किया गया, बल्कि EGS और AIE केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। सितंबर 2004 में इस योजना में संशोधन कर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और EGM AIE केंद्रों में पढ़ाई कर रहे कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। निशुल्क अनाज देने के अतिरिक्त इस संशोधित योजना के तहत दी जाने वाली केंद्रीय सहायता इस प्रकार है: प्रति स्कूल दिवस प्रति ब्लॉक 1 रुपया भोजन पकाने की लागत, विशेष वर्गीकृत राज्यों के लिए परिवहन अनुदान पहले के 50 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति क्विंटल तक किया गया, अनाज परिवहन अनुदान और रसोई सहायता को 2% की दर से प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन लागत सहायता, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य हैं सरकारी स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता वाले स्कूलों और EGS तथा AIE केंद्रों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार, सुविधाहीन वर्ग के बच्चों को कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा कक्षाओं की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना से न केवल सुदूर गांव में लोगों को फायदा हो रहा है, बल्कि इससे स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।